वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम करेक्शन ऑफ एड्स के टॉपिक में सस्पेंस अकाउंट का टॉपिक करेंगे। तो बेसिकली हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद सस्पेंस अकाउंट जब एक टेम्परेरी टैली ऑफ ट्रायल बैलेंस के लिए यूज होता है तो उसको एक्सप्लेन करेंगे, और सस्पेंस अकाउंट अननोन एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए भी यूज होता है उसको एक्सप्लेन करेंगे, और आईकैप स्टडी टेक्स्ट को एज अ सोर्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली जो सस्पेंस अकाउंट का है वो सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ये एक टेम्परेरी अकाउंट है। क्यों टेम्परेरी है? क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं होती जिससे हम एरर्स को आइडेंटिफाई करके करेक्ट कर सकें। तो जब तक वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तब तक ये एक टेम्परेरी अकाउंट हम अपने सामने रखते हैं, जिससे ये आइडेंटिफाई होता रहता है कि हम इस बात को रिकग्नाइज कर रहे हैं कि हमारी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ एरर है जिसको आइडेंटिफाई करके करेक्ट करने की जरूरत है। तो ये तब तक हमारे पास अकाउंट रहता है जब तक सफिशिएंट इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं होती। जब हम सारे चेकिंग करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरीज के बाद एरर को आइडेंटिफाई और करेक्ट कर लेते हैं तो फिर हमें इस अकाउंट की मजीद जरूरत नहीं होती। बाज़ूकात तो ऐसा होता है कि जब सस्पेंस अकाउंट को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है तो करेक्शन करके सस्पेंस अकाउंट एलिमिनेट हो जाता है और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। कुछ सिचुएशंस में ये पॉसिबल है कि काफ़ी कोशिश के बावजूद हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का टाइम आ जाए और हम तब तक जो है एरर्स को मुकम्मल तौर पर आइडेंटिफाई और करेक्ट ना कर सकें और सस्पेंस अकाउंट का कुछ बैलेंस आ रहा हो। तो ऐसी सूरत में सस्पेंस अकाउंट को फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखना पड़ेगा, टेम्परेली लिखना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के बाद नेक्स्ट ईयर में किसी टाइम पर तो वो एरर्स बहरहाल हमें मिल जाएंगे, आइडेंटिफाई हो जाएंगे और हम उन्हें करेक्ट कर लेंगे। तो टेम्परेली बेसिकली सस्पेंस अकाउंट को हम कैसे क्लासिफाई करें? तो इसको क्लासिफाई किया जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। यूजुअली इसको जो लिखा जाता है, जो ज्यादातर कॉमन है, वैसे मतलब इस पर कोई स्टैंडर्ड स्पेसिफिक रूल नहीं है, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी की साइड पर लिखा जाता है, क्योंकि आप स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजिशन में लिख रहे हैं। करंट में इसलिए क्लासिफाई करते हैं क्योंकि हमारी ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हमने इसे कोई लॉन्ग टर्म तो नहीं चलाना कि सस्पेंस अकाउंट मेंटेन होगा। हमारा इरादा यही होता है कि हम कुछ अरसे में एरर्स को आइडेंटिफाई करके करेक्ट कर देंगे। तो डेबिट और क्रेडिट की बेसिस पर अगर डेबिट बैलेंस है तो करंट एसेट के तौर पे और क्रेडिट बैलेंस है तो करंट लायबिलिटी के तौर पे। अब ये ऑब्वियसली बाय डेफिनेशन ना एसेट है ना बाय डेफिनेशन ये लायबिलिटी है, और एरर की नेचर अगर अदरवाइज क्लियर नहीं है तो फिर इस तरीके से क्लासीफाई टेम्परेरी बेसिस पर कर दिया जाता है। अब सस्पेंस अकाउंट क्रिएट क्यों किया जाता है? इसकी टू मेन रीजंस हैं, एक तो ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए टेम्परेरीली, या फिर अननोन एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए। और अब हम इन दोनों पर्सपेक्टिव को जरा वन बाय वन देखते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट एज अ टेम्परेरी टैली ऑफ ट्रायल बैलेंस को अगर हम देखें तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द रीजन व्हाई अ ट्रायल बैलेंस में नॉट बैलेंस। अब बाद का देखें कि रीजन एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना कि ट्रायल बैलेंस क्यों नहीं टैली हो रहा, क्यों नहीं बैलेंस हो रहा, क्यों नहीं डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो रही, ये आइडेंटिफाई करना समटाइम्स फॉरन पॉसिबल नहीं होता। तो एज अ टेम्परेरी मैयर, यह ध्यान में रखना है कि टेम्परेरी मैयर, द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इज एलोकेटेड, जो डिफरेंस आ रहा होता है उसको सस्पेंस अकाउंट को एलोकेट कर देते हैं और फिर बाद में लेटर स्टेज पर सस्पेंस अकाउंट की एक रिकंसिलेशन कर लेते हैं, यानी करेक्शन कर लेते हैं। अब एक एग्जांपल हम अपने सामने देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्रायल बैलेंस है जिसकी डेबिट साइड 97,000 आ रही है और क्रेडिट साइड 94,000 आ रही है। तो अगर आप इसको ट्रायल बैलेंस बना रहे होंगे तो उसका टोटल कुछ इस तरह का शो हो रहा होगा, डेबिट साइड 97, क्रेडिट साइड 94। तो डिफरेंस जो आ रहा है हमारे पास वो 3000 का आ रहा है। तो जो साइड शॉर्ट होगी, जिस तरह इस सिचुएशन में जो भी हमारे सामने है क्रेडिट साइड शॉर्ट है, तो क्रेडिट साइड पर हम सस्पेंस अकाउंट का 3000 का बैलेंस क्रिएट कर देंगे। यानी ये किसी डेबिट क्रेडिट की एंट्री से नहीं आएगा, ये ट्रायल बैलेंस के डिफरेंस के तौर पर ही क्रिएट कर देंगे एक टेम्परेरी अकाउंट के तौर पर, जिसके बाद फॉर द टाइम बीइंग हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली शो होने लग जाएगा। लेकिन हमें अब ये आइडेंटिफाइड होगा कि हमारे पास 3000 का सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस आ रहा है जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है और फिर उन एरर्स को हमने करेक्ट करना है। अच्छा, अब बेसिकली जो ये अकाउंट क्रिएट हुआ ये टेम्परेरी क्रिएट हुआ, कब तक के लिए हुआ? जब तक एरर आइडेंटिफाई और करेक्ट नहीं हो जाते। तो एक वे तो ये है जिसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट अराइज होता है,
और ज़्यादातर जब हम एग्जाम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो वो इसी तरीके की सिचुएशन पे राइज होते हैं कि वो बताते हैं कि जी टोटल डेबिट्स इतने हैं, टोटल क्रेडिट्स इतने हैं, और वो टैली बेसिकली नहीं हो रहा तो एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर दिया गया है। फिर हमसे कहा जाता है कि जी एरर्स को करेक्ट करने की एंट्रीज पास करें और सस्पेंस अकाउंट बना दें। दूसरा जो वे है अननोन एंट्री को, यानी जहां पर हम सस्पेंस अकाउंट जानबूझ के इंटेंशनली क्रिएट करते हैं, तो इन सम इंस्टेंसेस द सस्पेंस अकाउंट विल बी ओपन डेलिबरेटली, यानी हमने जानबूझ के किया बाय द बुक कीपर इफ द बुक कीपर इज अनसर्टन ऑफ वेयर टू पोस्ट वन साइड ऑफ डबल एंट्री। अब बाजू का आप कहते हैं कि जी हमें फॉर एग्जाम्पल पैसे रिसीव हुए हैं या तो बैंक डेबिट हुआ है, लेकिन कहां से आए हैं, पार्टी का नाम नहीं अभी क्लियर, तो क्रेडिट क्या करें? तो जब तक क्लैरिटी नहीं है तब तक सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दें, जब क्लैरिटी आ जाए तो लेटर स्टेज पे प्रॉपर अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। तो सस्पेंस अकाउंट आप क्रिएट करेंगे और बाद में उसे प्रॉपर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। अब बुक कीपर हैज नोटिस द क्रेडिट ट्रांसफर बाय अ कस्टमर ऑफ 25,000 इन बैंक स्टेटमेंट, यानी जब बैंक स्टेटमेंट रिसीव हुई तो पता चला कि किसी कस्टमर से 25,000 की अमाउंट रिसीव हुई है, बट विच ऑफ द कस्टमर एग्जैक्टली मेड दैट पेमेंट ये उसे नहीं पता था। तो ही मेड टेम्परेली रिकॉर्ड इट इन सस्पेंस अकाउंट, यानी अगर वो ये एंट्री पास कर देता है कि बैंक अकाउंट डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, अच्छा ये अमाउंट जो है वो यहां पर ऊपर 25,000 है, इसको 450,000 ही कर लेते हैं। सो ये जो अमाउंट हमारी रिकॉर्ड हुई, इसमें अब होगा क्या? देखिए इसका फायदा क्या हुआ, फायदा यह हुआ कि एटलीस्ट हमारा जो बैंक रिकॉर्ड है वो तो मैच कर गया, वो तो अपडेट हो गया। हमें यह पता है कि कस्टमर से पैसे आए, किस कस्टमर से आए वो नहीं पता, लेकिन बैंक साइड तो क्लियर है। तो जो साइड क्लियर थी वो रिकॉर्ड हो गई, और जो साइड क्लियर नहीं थी वो भी रिकॉर्ड फिलहाल हो गई, लेकिन उसमें हमें कंफर्म नजर आ रहा है कि ये फाइनलाइज नहीं है, इसमें अभी सस्पेंस है, इसको कुछ क्लियर आउट करना है। लेट्स से कि बाद में ये डिस्कवर हुआ कि क्रेडिट ट्रांसफर ओ एंड जे ट्रेडर्स की तरफ से था, जो हमारे एक कस्टमर थे, तो अब हम सस्पेंस अकाउंट को एलिमिनेट कर देंगे और जो अमाउंट है वो करेक्ट अकाउंट की तरफ ट्रांसफर कर देंगे। तो अब हमारी एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट और ओ एंड जे क्रेडिट। अच्छा अब अगर आप नोटिस करें तो इन दोनों एंट्रीज के बाद सस्पेंस अकाउंट खत्म हो जाएगा और असल एंट्री वही रह जाएगी कि बैंक डेबिट ओ एंड जे ट्रेडर्स क्रेडिट। तो जैसे हमें एक नॉर्मल रिसीवेबल की एंट्री करते, अल्टीमेटली दोनों एंट्रीज का इंपैक्ट वही हो जाएगा। तो ये जो सस्पेंस अकाउंट 450,000 का क्रिएट हुआ था, ये टेम्परेली क्रिएट हुआ था, और जब हम बाद में एरर को करेक्ट कर लेंगे या जब ट्रांजेक्शन कंफर्म हो जाएगी तो ये सस्पेंस का अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम करेक्शन ऑफ एरर्स के टॉपिक में अप्रोच टू करेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जस्ट हमने सिंपली अप्रोच डिस्कस करनी है और फिर उस अप्रोच को हम कुछ एग्जाम्पल्स पर आपको अप्लाई करके दिखाएंगे ताकि इस अप्रोच की इम्प्लीमेंटेशन क्लियर हो जाए। तो बेसिकली अप्रोच बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आप एरर्स को करेक्ट करना चाहते हैं तो आपको तीन स्टेप्स को कंसीडर करना है। इनको आप ज़रा डिफरेंट ऑर्डर में भी देख सकते हैं, यानी स्टेप वन और टू को। सबसे पहले आप ये देखें कि व्हाट डबल एंट्री शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, यानी सबसे पहले तो ये समझें कि ट्रांजेक्शन हुई क्या थी, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड क्या होनी चाहिए थी। तो सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना है किसी भी क्वेश्चन से, फिर ये अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअली रिकॉर्ड क्या हो गया, यानी एरर क्या हुआ, इसमें इंक्लूडिंग सस्पेंस अकाउंट इफेक्ट ले लें। यानी अगर ऐसा एरर हुआ है जिसमें डेबिट और क्रेडिट इक्वल रिकॉर्ड नहीं हुए तो फिर सस्पेंस अकाउंट का जो इम्पैक्ट है, डिफरेंस जो है, वो भी यहीं पर नोट कर लें। जब ये दो चीजें नोट कर लेते हैं तो इसी कॉन्सेप्ट की बेस पर आप आइडेंटिफाई करेंगे कि करेक्शन क्या रिक्वायर्ड है। आप देखें कि जो रिकॉर्ड होना चाहिए था और जो एक्चुअली रिकॉर्ड हुआ है उसमें से कौन सी चीज ठीक रिकॉर्ड हो गई है। जो ऑलरेडी ठीक रिकॉर्ड हो गई है उसको करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, और जो चीज़ ठीक रिकॉर्ड नहीं हुई उसको ठीक करना पड़ेगा। अच्छा एग्जाम परस्पेक्टिव से हमेशा ये एज्यूम करें कि अगर आपको क्वेश्चन में ये बताया जाता है कि लेट से कि रिसीवेबल और सेल्स में, कि रिसीवेबल के अंदर अमाउंट गलत साइड पर डेबिट के बजाय क्रेडिट साइड पर लिख दी गई है, तो ये समझें कि सेल्स ठीक ही रिकॉर्ड हुई है। यानी जिस साइड का एरर बताया जाता है सिर्फ उस एरर को ही कंसीडर करें, जिस साइड का एरर नहीं बताया गया तो उसके बारे में आप ये अजम्पशन ले सकते हैं कि वो करेक्टली रिकॉर्डेड है।
तो अनलेस के क्वेश्चन में कोई क्लियर इंडिकेशन मौजूद हो, तो वन साइड ऑफ एंट्री अगर बताई गई है तो वही वन साइड पर एरर है और दूसरी साइड पर एरर नहीं है। अब हमारा जो करेक्शन का प्रोसेस होगा वो बेसिकली दो स्टेप्स में हम कर रहे होंगे। सबसे पहले ये कि जो इनकरेक्ट रिकॉर्ड हुआ है उसको हमने रिवर्स करना है, और जो ओमिट हो गया है यानी जो रिकॉर्ड होना चाहिए था उसको रिकॉर्ड करना है। जब हम ये दो काम कर लेंगे तो हमारी हर जो एरर की करेक्शन है वो फाइनलाइज हो जाएगी। तो अब इसको जो है चार पांच एग्जांपल्स के ऊपर हम ट्राई करके देखते हैं। तो पहली एग्जांपल हमारे पास है कि सेल्स रिटर्न ऑफ ₹800 वर रिकॉर्डेड करेक्टली इन द रिसीवेबल अकाउंट इन द जनरल लेजर, बट दे हैव बीन रिकॉर्डेड इनकरेक्टली एज अ क्रेडिट एंट्री इन द परचेज रिटर्न रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न होनी चाहिए थी, रिकॉर्ड हमने परचेज रिटर्न कर दी। तो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि करेक्टिंग एंट्री क्या होगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिकॉर्ड होना क्या चाहिए था। तो रिकॉर्ड होना चाहिए था कि सेल्स रिटर्न हुई थी तो सेल्स रिटर्न डेबिट होती, जैसे सेल्स रिटर्न डेबिट होती है, और रिसीवेबल्स क्रेडिट होते। अब एक्चुअली क्या रिकॉर्ड हुआ, एक्चुअली ये रिकॉर्ड हुआ कि हमारे पास जो रिसीवेबल्स थे वो तो ठीक ही रिकॉर्ड हुए, जैसे होने चाहिए थे, जैसे यहाँ पे भी बताया गया कि करेक्टली हैं। और गलती से ये हुआ कि सेल्स रिटर्न के बजाय परचेज रिटर्न रिकॉर्ड हो गए। अब ये मिस्टेक हो गई। तो रिसीवेबल तो क्रेडिट होने चाहिए थे, वो क्रेडिट ही हो गए, परचेज रिटर्न भी क्रेडिट ही रिकॉर्ड हुई, तो डेबिट तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसका मतलब है गलती की वजह से एक सस्पेंस अकाउंट राइज हो गया होगा 1600 का। अब हमने क्या करना है, जो रिकॉर्ड होना चाहिए था उसको हम ऑब्वियसली कहेंगे कि रिकॉर्ड होना चाहिए। तो क्या रिकॉर्ड होना चाहिए था, रिसीवेबल तो रिकॉर्ड होना चाहिए था और वो ऑलरेडी ठीक रिकॉर्ड हो चुका है, तो रिसीवेबल के अंदर तो हमें कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ये तो 800 से क्रेडिट होना चाहिए था और 800 से क्रेडिट ही हुआ है। लेकिन सेल्स रिटर्न एक ऐसी चीज़ है जो हमें नज़र आ रही है कि डेबिट होनी चाहिए थी, लेकिन हमने यहाँ पर एक्चुअली जो रिकॉर्ड किया है उसमें रिकॉर्ड नहीं की, तो सेल्स रिटर्न को अब डेबिट कर दें, इसका इफेक्ट आ गया। मजीद क्या करें, ये जो परचेज रिटर्न है इसको रिवर्स करना चाहिए। तो ये परचेज रिटर्न बेसिकली क्रेडिट हुई है, तो इसको रिवर्स करने के लिए अब क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और सस्पेंस अकाउंट जो था 1600 का, वो जो डेबिट हुआ था वो भी अब खत्म हो जाएगा। जब हम एरर को करेक्ट करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट खत्म हो जाएगा। तो पहले डेबिट हुआ था, अब क्रेडिट होगा, तो आपकी करेक्टिंग एंट्री आ जाएगी कि डेबिट सेल्स रिटर्न, डेबिट परचेज रिटर्न 800 ईच, और क्रेडिट होगा सस्पेंस अकाउंट 1600 से। तो ये अप्रोच अगर फॉलो करें तो शुरू में अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी अप्रोच है, और इस अप्रोच से आपको जो एंट्रीज का करेक्शन प्रोसेस है वो समझ में आता जाएगा। फिर ये होगा कि जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी फिर आप इसी प्रोसेस को क्विकली करके डायरेक्ट भी करेक्ट एंट्री जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, उसे भी जो है बना सकते हैं। तो इनिशियली जो समझने के लिए बेसिकली इस डिटेल के अंदर जाकर हमें काम करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। इन द सेल्स दे बुक द कॉलम फॉर टोटल सेल्स हैड बीन एडिड अप इनकरेक्टली, द टोटल शुड बी 26420 बट द टोटल वाज अंडर कास्ट बाय 1000, यानी टोटल वाज एडिड अप एज 25420। तो हमारी जो सेल्स दे बुक है उसका सेल्स कम रिकॉर्ड हुई। द करेक्ट टोटल अमाउंट रिसीवेबल वॉज एंटर्ड इन द रिसीवेबल अकाउंट, यानी रिसीवेबल करेक्ट है, रिसीवेबल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि करेक्टिंग एंट्री क्या होगी। वंस अगेन हम देखेंगे कि एंट्री रिकॉर्ड क्या होनी चाहिए थी। तो एंट्री रिकॉर्ड तो ये होनी चाहिए थी कि जब आपका करेक्ट टोटल ये है तो इतनी ही अमाउंट से रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था। अब गलती क्या हुई, गलती ये हुई कि रिसीवेबल तो ठीक ही रिकॉर्ड हुआ लेकिन सेल्स जो है वो कम अमाउंट से रिकॉर्ड हुई। इसमें ये देखें कि 1000 शॉर्ट, तो वो जो 1000 शॉर्ट हुए उसकी वजह से क्रेडिट साइड पर सस्पेंस क्रिएट हो गया। अब हमें इसको करेक्ट कैसे करना है, तो करेक्टिंग एंट्री पास करने के लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले रिकॉर्ड क्या होना चाहिए। अब अगर आप नोटिस करें तो रिसीवेबल तो ऑलरेडी सही रिकॉर्डेड हैं, तो इन्हें तो रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सेल्स को ज़्यादा रिकॉर्ड होना चाहिए था लेकिन वो कम रिकॉर्ड हुई हुई हैं, तो सेल्स को बढ़ा देते हैं 1000 से। और दूसरा इम्पैक्ट किसका आएगा, सस्पेंस का, जो ये यहाँ पे सस्पेंस आपने क्रेडिट किया है तो अब वो आकर बेसिकली रिवर्स करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा। तो ये हमारी करेक्टिंग एंट्री होगी।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अ चेक ऑफ ₹10,800 वॉज पेड टू अ क्रेडिटर हु अलाउड 10% कैश डिस्काउंट। द पेमेंट वॉज करेक्टली एंटर्ड इन द बैंक बुक बट वॉज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट एज 1080 ओनली, देयर फ्रॉम नो अदर एंट्री वॉज मेड। यानी सिर्फ आपने क्या किया कि बैंक में सही रिकॉर्ड कर ली, वहां से आप परचेज अकाउंट में ले गए। हालांकि जब आपने क्रेडिटर को पेमेंट की है और डिस्काउंट लिया है, तो बेसिकली डिस्काउंट रिसीव्ड या परचेजेज अकाउंट जो है डिस्काउंट की वजह से कॉस्ट ऑफ परचेज क्योंकि रिड्यूस होती है, तो वो होना चाहिए था इम्पैक्ट, और पेबल्स पर इफेक्ट आता तो ये एंट्री होनी चाहिए थी। अब सबसे पहले करेक्टिंग एंट्री पास करने के लिए हम देखेंगे कि एक्चुअली रिकॉर्ड होना क्या चाहिए था। तो 10,800 की जो अमाउंट है ये आफ्टर 10% डिस्काउंट है, यानी ये अमाउंट 90% को रिप्रेजेंट करती है। तो इससे हम 100% वैल्यू निकाल सकते हैं, 10,800 × 100/90। इसको बेसिकली आप यूं देखें कि 10,800 जो है ये 90% अमाउंट, तो अगर हम इसे 90 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1% की वैल्यू आ जाएगी, और फिर अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारे पास 100% वैल्यू आ जाएगी विच इज 12,000, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब जब हमने पेमेंट की तो जाहिर बात है ट्रेड पेबल 12,000 से ख़त्म हो जाएंगे, हमारे जो बैंक में 10,800 हमारी तरफ से पेमेंट चली गई वो रिकॉर्ड हो जाएगी, और परचेजेस बेसिकली क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड का जो इम्पैक्ट है वो कॉस्ट ऑफ परचेज पर आता है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्रेडिट कर सकते हैं और फिर बाद में जाके परचेज में से लेस कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप डायरेक्टली परचेजेस को कम कर दें। तो 1200 से परचेजेस कम होनी चाहिए। तो अब इस एंट्री को रिकॉर्ड होना चाहिए था, और इसमें अगर आप ये देख लें कि 12,000 का 10% लें तो वो ये 1200 ही बनता है। गलत एंट्री क्या रिकॉर्ड हुई वो देखते हैं। वो कहते हैं जी पेमेंट वॉज करेक्टली एंटर्ड इन द बैंक अकाउंट, कि बैंक के अंदर तो हमारी जो एंट्री है वो ठीक रिकॉर्ड हुई, लेकिन परचेजेज में 1080 की जो है पोस्ट कर दी गई। परचेजेज में कितने की रिकॉर्ड हो गई, 1080 की। अच्छा, अब बैंक अकाउंट सही रिकॉर्ड हुआ था, परचेजेज 1080 से हुई थी, तो डिफरेंस के तौर पर सस्पेंस राइज हो गया 9720 का। अब हमने करना क्या है, हमने करेक्टिंग एंट्री पास करनी है जो हमारा असल आंसर होगा। तो रिकॉर्ड वाला पर्सपेक्टिव देखेंगे तो हमें ट्रेड पेबल 12,000 से रिकॉर्ड करने चाहिए थे, वो अब हमने कर दिए क्योंकि जो इनकरेक्ट था वहां पर हमने कुछ भी नहीं किया था। रिवर्स करने की बात करें तो बात यह है कि परचेजेस को तो 1200 से क्रेडिट होना चाहिए था, हमने उनको 1080 से डेबिट कर दिया, तो दोनों को कंबाइन कर लें 1200 और 1080, तो इतने से 2280 से हम क्रेडिट कर देंगे, 1200 से वो जो क्रेडिट होना चाहिए था और 1080 से जो हमने रिवर्स करना है। इसके बाद जो बैंक है वो तो ऑलरेडी ठीक रिकॉर्डेड है, तो बैंक के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सस्पेंस अकाउंट जो अराइज हुआ डेबिट का, जब हम एरर को करेक्ट कर रहे हैं तो वो क्रेडिट होके एलिमिनेट हो जाएगा। इस तरह डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट जो है वो आपके पास इक्वल आ रही है, और ये एग्जाम्पल 3 का हमारी करेक्टिंग एंट्री आंसर बन जाएगा। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। सेल्स कमीशन ऑफ ₹3,500 वॉज पेड बट वॉज क्रेडिटेड ट्वाइस, वंस इन द बैंक अकाउंट एंड अगेन इन द कमीशन। तो एक डेबिट और एक क्रेडिट होना चाहिए था, आपने दोनों ही क्रेडिट कर दिए, तो करेक्टिंग एंट्री क्या होनी चाहिए। तो बेसिकली जो आपको रिकॉर्ड करना चाहिए था वो था कमीशन एक्सपेंस डेबिट करते, बैंक को क्रेडिट कर देते। गलती से जो रिकॉर्ड कर दिया वो ये था कि आपने कमीशन एक्सपेंस को भी क्रेडिट कर दिया गलती से, और बैंक को तो जो सही क्रेडिट करना चाहिए था वो तो किया ही किया। तो बैंक तो सही रिकॉर्ड हुआ, कमीशन एक्सपेंस डेबिट के बजाय क्रेडिट रिकॉर्ड हो गया, लेकिन अब दोनों एंट्रीज क्रेडिट रिकॉर्ड हुई तो डेबिट को पे कुछ नहीं है, तो इसकी वजह से एक सस्पेंस अराइज हो गया 7,000। अब अगर हम करेक्टिंग एंट्री पास करना चाहते हैं तो हमें रिकॉर्ड करना है और रिवर्स करना है। तो कमीशन एक्सपेंस 3,500 का रिकॉर्ड भी करना है डेबिट पे, और जो 3,500 का क्रेडिट हो गया था उसको रिवर्स भी करना है। तो 3,500 + 3,500 7,000 से डेबिट होगा, 3,500 से जो डेबिट होना चाहिए था और 3,500 से जो क्रेडिट को रिवर्स करेंगे वो भी डेबिट होगा, तो 7,000 से ये डेबिट हो जाएगा। और इस टाइम पर हमें सस्पेंस अकाउंट को भी रिवर्स कर देना है, एलिमिनेट कर लेना है, तो सस्पेंस अकाउंट हमारा 7,000 से एलिमिनेट हो जाएगा। एग्जाम्पल 5 देखते हैं।
गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 वर टेकन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज एंड गुड्स वर्थ ऑफ ₹2,000 वर यूज फॉर ऑफिस रिपेयर्स। हाउएवर रिकॉर्डिंग दीज वॉज ओमिटेड बाय बुक कीपर, यानी बुक कीपर इसको रिकॉर्ड करना भूल गए, तो वट शेल बी द करेक्टिंग एंट्री। तो जो एंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, जो ऑनर ने गुड्स ली हैं वो ड्राइंग्स में डेबिट होनी चाहिए, जो ऑफिस रिपेयर के अंदर यूज हुई हैं वो ऑफिस रिपेयर का एक्सपेंस यूज होना चाहिए, और पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम जो हमारी नॉर्मल एजम्पशन होती है उसके अंदर हमारी परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। अगर आप परपेचुअल ले रहे होंगे तो परचेजेस के बजाय इन्वेंटरी क्रेडिट होंगे। अब एक्चुअली क्या रिकॉर्ड हुआ, तो एक्चुअली तो उन्होंने बताया कि ओमिट हो गई एंट्री, यानी एक्चुअली तो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन हो गया कि आपने टोटली जो है कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो अब जो रिकॉर्ड होना चाहिए था वो हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो जो रिकॉर्ड होना चाहिए था, ड्राइंग्स डेबिट होनी चाहिए थी, ऑफिस रिपेयर्स डेबिट होनी चाहिए थी और परचेजेस क्रेडिट होनी चाहिए थी, वो हमने कर दी। अब एक्चुअली क्योंकि हमने इन एरर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, ओमिशन था, तो हमें कुछ भी रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा एरर इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा कि जो हमें रिकॉर्ड करना चाहिए था अगर हम उसको बेसिकली जस्ट रिकॉर्ड कर दें तो हमारे जो एरर आ रहा है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारी अप्रोच थी आपके साथ जो हमने डिस्कस की कि एरर्स को कैसे करेक्ट करना चाहिए, और उसको हमने विद 5 एग्जांपल्स आपको डिमॉन्स्ट्रेट भी किया कि किस तरीके से इस सिचुएशन में हम एरर की करेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। कई जगह जब आप सॉल्यूशन देखते हैं तो उसमें सिर्फ करेक्टिंग एंट्री गिवन होती है एज एन आंसर, और स्टूडेंट के लिए फिर ये डिफिकल्ट होता है आइडेंटिफाई करना कि ये हमने कैसे काम किया, कहाँ से पता चली। तो उसमें आप ये 3 स्टेप फॉलो कर लें तो आपको खुद काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि करेक्टिंग एंट्री कैसे आइडेंटिफाई की गई है, कि आप देखें कि क्या रिकॉर्ड होना चाहिए था, इन एरर क्या रिकॉर्ड हुआ, जो रिकॉर्ड होना चाहिए था उसको रिकॉर्ड करें, जो इन एरर हुआ उसको रिवर्स करें, तो जो आपकी नेट एंट्री बनेगी वो आपकी करेक्टिंग एंट्री होगी। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम करेक्शन ऑफ एरर्स के टॉपिक में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है ग्रांट कंपनी, और ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि अकाउंटेंट ऑफ ग्रांट कंपनी हैज प्रिपेयर्ड अ ट्रायल बैलेंस बट हैज फाउंड दैट द टोटल ऑफ डेबिट बैलेंसेज इज 864,600 एंड द टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंसेज इज 862,150। ऑन इन्वेस्टिगेशन ही डिस्कवर्स द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक कीपिंग, और फिर हमें नजर आ रहा है कि 6 आइटम्स जो हैं वो दिए हुए हैं जो उन्होंने एरर आइडेंटिफाई किए हैं। फिर ये नोट लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल डेटर एंड क्रेडिटर्स अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन द जनरल लेजर। सो इसका मतलब है कि सेपरेट लेजर भी मेंटेन नहीं होते और कंट्रोल अकाउंट भी मेंटेन नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, पहली रिक्वायरमेंट ये है कि हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर द करेक्शन ऑफ एरर्स, और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि एक सस्पेंस अकाउंट ओपन करें, रिकॉर्ड द एप्रोप्रिएट करेक्शंस इन द सस्पेंस अकाउंट सो दैट द बैलेंस ऑन दिस अकाउंट इज एलिमिनेटेड। तो यहाँ हमें क्वेश्चन से इस बात का आइडिया हो रहा है कि जो एरर्स हैं क्योंकि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है तो उसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होगा, और वो जब हम इन एरर्स को करेक्ट करेंगे तो वो सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस है वो निल हो जाएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो वन बाय वन जो है इसकी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, पार्ट ए की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। तो आंसर हमें पार्ट ए का बनाना है जिसमें हमें जो रिक्वायर्ड है वो जर्नल एंट्रीज हैं। तो फॉर्मेट हम बना लेते हैं जर्नल एंट्रीज का, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। तो सबसे पहली हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है वो देखते हैं। टोटल परचेजेस इन द पीरियड वर रिकॉर्डेड एट ₹100 बिलो देयर करेक्ट वैल्यू, यानी जितनी की परचेजेस रिकॉर्ड होनी चाहिए थी उससे 100 कम रिकॉर्ड हुई हैं, ऑल्दो द टोटल वैल्यू ऑफ ट्रेड पेबल वॉज करेक्टली रिकॉर्डेड। तो परचेजेस एक इंपैक्ट होता है, दूसरा इंपैक्ट पेबल पे होता है। पेबल का इंपैक्ट जो है वो करेक्टली रिकॉर्डेड है, सिर्फ प्रॉब्लम परचेजेस में है, और ऑब्वियसली जब एक साइड पे प्रॉब्लम हो और दूसरी जगह ठीक रिकॉर्ड हुई हो तो उसकी वजह से सस्पेंस राइज होगा। तो परचेजेस कम रिकॉर्ड हुई है तो इसका सोल्यूशन क्या है कि हम परचेजेस को बढ़ा दें। तो परचेजेस को हम डेबिट कर देंगे 100 से, और क्योंकि क्रेडिट आइटम पेबल का तो सही रिकॉर्ड हुआ है तो पेबल को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और अब जो सेकंड इंपैक्ट आएगा वो सस्पेंस में आएगा। तो परचेज डेबिट एंड सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट,
सेकेंड एडजस्टमेंट देखते हैं, टोटल टेलीफोन एक्सपेंसेस वर रिकॉर्डेड एट रुपीज 1000 अबव दियर करेक्ट अमाउंट. Although the total value of amounts payable was correctly recorded, तो expenses और payable का आपने को accrual record किया होगा, तो accrual जो payable है वो ठीक record हो गया, लेकिन जो expense है वो 1000 ज्यादा record हो गया. तो 1000 above record होने का मतलब है कि expense हमने ज्यादा debit कर दिया. तो इसकी correction ऐसे होगी कि अगर हम expense को अब credit कर दें. अब डेबिट करने के लिए तो हमारे पास जो है दूसरा कोई अकाउंट नहीं है, क्योंकि पेबल्स को से रिलेटेड ठीक रिकॉर्ड हुए हैं, तो जो इंपैक्ट आएगा वो सस्पेंस अकाउंट में आएगा. थर्ड एडजस्टमेंट है, परचेज रिटर्न्स ऑफ 550 वर रिकॉर्डेड एज अ डेबिट एंट्री इन सेल्स रिटर्न अकाउंट बट द करेक्ट एंट्री हैड बीन मेड इन द ट्रेड पेबल. परचेज रिटर्न की हमारी एंट्री होती है कि ट्रेड पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट. तो इनफैक्ट गलती ये हुई है कि परचेज रिटर्न जो क्रेडिट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, तो एक मिस्टेक तो ये है, और दूसरी मिस्टेक ये है कि सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया. तो इन दो एरर्स को ठीक करते हैं. सबसे पहले तो जो परचेज रिटर्न रिकॉर्ड होनी चाहिए थी और नहीं हुई उसको क्रेडिट के तौर पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, परचेज रिटर्न क्रेडिट पर रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, और फिर जो गलत सेल्स रिटर्न डेबिट हो गई है उसको रिवर्स कर लेंगे, तो सेल्स रिटर्न का रिवर्सल रिकॉर्ड हो जाएगा. अब हमारे पास जो एंट्री बन रही है उसमें दो क्रेडिट आइटम आ रहे हैं लेकिन डेबिट साइड पर करने के लिए कुछ नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट इनके जो एग्रीगेट बनेगा 550 प्लस 550 1100 से हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे ताकि डेबिट्स और क्रेडिट्स इक्वल हो जाएं. उसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट देखते हैं, इक्विपमेंट कॉस्टिंग रुपीज 2000 हैड बीन रिकॉर्डेड एज अ डेबिट एंट्री इन द रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट. तो जब आपने इक्विपमेंट कहा लिया तो इक्विपमेंट को डेबिट होना चाहिए था और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो इसकी करेक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड है. तो जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस गलत रिकॉर्ड हो गया उसको रिवर्स कर लेते हैं 2000 से, और जो इक्विपमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए वो डेबिट करके रिकॉर्ड कर लेते हैं. इसके बाद फिफ्थ एडजस्टमेंट है, रेंटल एक्सपेंसेस ऑफ 5490 वर एंटर्ड इनकरेक्टली एज 5940, तो ट्रांसपोजिशन एरर हो गया. डिफरेंस जो है वो 450 का है, यानी 450 से रेंट एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हो गया बट वर एंटर्ड करेक्टली इन द बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट में सही रिकॉर्ड हुए थे, रेंट एक्सपेंस के अकाउंट के अंदर 450 ज्यादा रिकॉर्ड हो गए, तो इन 450 को कम करने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे. तो डेबिट बेसिकली क्या होगा, दूसरा अकाउंट बैंक तो ठीक रिकॉर्ड हुआ है ऑलरेडी, तो डेबिट सस्पेंस अकाउंट के. इसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट है कि बैंक चार्जेस ऑफ रुपीज 200 हैव बीन ओमिटेड इंटायरली फ्रॉम द लेजर. यानी इंटायरली का मतलब है कि इसका डेबिट भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्रेडिट भी रिकॉर्ड नहीं हुआ. बैंक चार्जेस जो है वो बैंक की तरफ से डिडक्ट होते हैं, तो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में से डिडक्ट हो जाते हैं. तो बैंक चार्जेस का कंप्लीट ओमिशन हुआ है, तो इसको सिंपली हम बैंक चार्जेस डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट 200 के ये रिकॉर्ड कर लेंगे, तो हमारी जो एंट्रीज हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी. तो क्वेश्चन की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कि जर्नल एंट्रीज पास करें, वो हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई. अब सेकंड रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं जिसमें हमने सस्पेंस अकाउंट बनाना है और उसके अंदर एंट्रीज डालकर उसका जो बैलेंस है वो एलिमिनेट. तो पार्ट बी का सोल्यूशन बनाते हैं. सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में यह देखना पड़ेगा कि हमारा जो डिफरेंस था वो बेसिकली क्या है. तो वी कैन सी कि जो डेबिट बैलेंसेस हैं वो ज्यादा हैं
और क्रेडिट बैलेंसेस जो हैं वो कम हैं। तो इसका मतलब है कि सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस अराइज होगा डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस की वजह से वो क्रेडिट साइड पर आएगा। डिफरेंस जो है वो है 2450 का। इसके बाद हमें दोबारा से जो है एडजस्टमेंट्स को देखने की जरूरत नहीं, जब आप एंट्रीज पास कर चुके हैं तो वहां से चीजों को डील करना बहुत आसान है। जैसे फर्स्ट एंट्री के अंदर आप नोटिस करें कि सस्पेंस अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है 100 से परचेजेस की वजह से। सेकंड एडजस्टमेंट में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है 1000 से टेलीफोन एक्सपेंसेस की वजह से। थर्ड एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है 1100 से, लेकिन 550 परचेज रिटर्न की वजह से और 550 सेल्स रिटर्न की वजह से। तो 550 परचेज रिटर्न की वजह से और 550 सेल्स रिटर्न की वजह से। फोर्थ एंट्री में सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो इसकी कोई एडजस्टमेंट सस्पेंस अकाउंट के अंदर नहीं जाएगी। फिफ्थ एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है 450 से रेंट एक्सपेंस की वजह से, तो ये भी डेबिट साइड पर आ जाएगी एंट्री। और अगर आप सिक्स एंट्री देखें तो इसके अंदर सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है, तो सस्पेंस के अंदर एंट्री नहीं आएगी। अब अगर हम टोटल कर लेते हैं, 2550 डेबिट साइड पर आ रहा है और सेम अमाउंट जो है वो हमारे पास क्रेडिट साइड पर आ रही है। तो इस तरीके से सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस भी एलिमिनेट हो गया। तो क्वेश्चन की जो दोनों रिक्वायरमेंट्स थी कि जर्नल एंट्रीज पास कर लें और सस्पेंस अकाउंट बनाकर उसका बैलेंस एलिमिनेट कर दें, वो दोनों कंप्लीट हो गई हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।